मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप पर एक नया फीचर लॉन्च किया है। दरअसल इंस्टेंट मैसेज सर्विस प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के यूजर्स अब वॉइस या वीडियो कॉल पर एक बार में 32 यूजर्स को एक साथ जोड़ सकेंगे, 2 GB तक की फाइल भेज सकेंगे। पहले यूजर्स सिर्फ 16 MB तक की फाइल ही भेज सकते थे। इसके अलावा एक ग्रुप में 1024 मेंबर्स को जोड़ सकेंगे, जो कि अब तक सिर्फ 512 तक की ही लिमिट थी। कंपनी ने बताया कि व्हाट्सएप यूजर्स अपने कम्युनिटी के 5000 मेंबर्स और यूजर्स को ब्रॉडकास्ट मैसेज भी भेज सकेंगे। मेटा फाउंडर एंड सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक पर यह जानकारी दी और कहा कि आज हम व्हाट्सएप पर कम्युनिटीज शुरू कर रहे हैं। इससे ग्रुप्स बेहतर हो जाएंगे क्योंकि सब ग्रुप, कई थ्रेड, अनाउंसमेंट चैनल्स बनाए जा सकेंगे और भी बहुत कुछ होगा। हम चैट्स में पोल्स और 32 लोगों को एक साथ वीडियो कॉल करने की सुविधा भी रोल आउट कर रहे हैं। ये सभी एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिक्योर्ड होंगी और आपके मैसेज प्राइवेट रहेंगे। कंपनी ने इन फैसिलिटीज की अनाउंसमेंट अप्रैल में की थी और अब इन्हें शुरू किया जा रहा है। अगले कुछ सप्ताह में ये फैसिलिटीज सभी यूजर्स को मिलने भी लगेंगी। कैसे करें कम्युनिटी फीचर यूज? यूजर्स इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए एंड्रॉइड मोबाइल में चैट के टॉप पर कम्युनिटीज टैब पर क्लिक करें और वहां से यूजर कम्युनिटी को नए ग्रुप या पहले एडिट ग्रुप से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं iOS के बॉटम में कम्युनिटीज टैब दिया गया है। कम्युनिटी में यूजर आसानी से ग्रुप में भी स्विच कर सकते हैं। एडमिन जरूरी जानकारी कम्युनिटी के सभी मेंबर्स को सेंड कर सकते हैं। कंपनी ने बताया कि यूजर्स के डेटा का एक्सेस कंपनी के पास भी नहीं होगा। आपका इस फीचर को लेकर क्या कहना है कमेंट करके बताइए एंड डू सब्सक्राइब टू गुड रिटर्न्स।